दोस्तों ये बात आप लोग जानते ही होगी, बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार और बॉलीवुड के बागी यानी कि टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां को सिनेमा घरों में रिलीज हुए फाइनली आज पांचवा दिन हो चुका है। यानी कि आज से इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर वर्किंग डे शुरू हो गया है। तो भाई वर्किंग डे में इस फिल्म का कैसा रहा परफॉर्मेंस? पहले वर्किंग डे पर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने का कलेक्शन कर रही है? वर्किंग डे वाले अग्नि परीक्षा को क्या यह फिल्म पास करने में कामयाब हुई है? भाई इन सभी सवालों का जवाब चलिए मैं आपको इस फिल्म के पहले वर्किंग डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के माध्यम से देने की कोशिश करता हूँ, इस फिल्म के आज के ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट की मदद से। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। तो दोस्तों मैं आप लोगों से वो नहीं करूंगा फाड़ दिया, चीड़ दिया, तोड़ दिया, सारे रिकॉर्ड फोड़ दिया। भैया जो सच्चाई है वही मैं आप लोगों के सामने बयां करूंगा। और भाई सच्चाई तो मैंने दिन में ही बता दी थी कि बाद से ये फिल्म जो है भाई दम तोड़ने वाली है बॉक्स ऑफिस पर। वैसा ही हुआ है भैया इस फिल्म के साथ में। दोस्तों इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भाई ओवरऑल इस फिल्म को आज पूरे दिन में इंडिया से जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 9.31% का। यानी भैया इस फिल्म को आज मॉर्निंग के शो में 7.93% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला था, उसके बाद आफ्टरनून के शो में 10.14% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला था और उसके बाद भैया इवनिंग के शो में 9.87% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला था। यानी कि भैया आज के ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट की मदद से ये फिल्म जो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर सकती है वो आंकड़ा 2 करोड़ से 2 करोड़ 50 लाख रुपए तक का हो सकता है। यानी कि भैया ये फिल्म हो सकता है कि 1 करोड़ 85 और 2 करोड़ 15 लाख रुपीस का भी बिजनेस कर ले, तो ये कोई गलत नहीं होगा इस फिल्म को लेकर कहना। यानी कि भैया आज के कलेक्शन के माध्यम से ये फिल्म लगभग लगभग 45 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंचती नज़र आ रही है। और भाई इसी बात से मुझे थोड़ा सा डर था कि भैया आज से इस फिल्म का खेल ख़त्म होने वाला है बॉक्स ऑफिस पर। यानी कि भैया इस बार भी खिलाड़ी जो है वो फेल हो गया है बॉक्स ऑफिस के खेल में, ऐसा लगने लगा है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि भाई सच्चाई कड़वी होती है ना, और कड़वी सच्चाई को साफ गोई से जनता को बताना चाहिए कि नहीं, कि झूठी खबरें फैलाना चाहिए कि भैया फाड़ दिया, चीड़ दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मुझे तो विश्वास नहीं था, अबे ये क्या हो गया, ऐसे कैसे बोले भाई, ऐसा कुछ होता तब ना बोलते। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्म जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।